चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। एंड इनइक्वालिटीज सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स आप लोग कर चुके थे, और बेसिकली ये 7.3 में जो सब टॉपिक हम कवर करें दैट इज इनइक्वालिटीज। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, दैट इज इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज का अब थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। दैट इज 4 साइंस आपके पास होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब भी कभी भी इक्वेशन में दीज 4 साइंस कम्स, तो दैट इक्वेशन इज नाउन एज इनइक्वालिटी इक्वेशन, क्योंकि ये साइंस जो होते हैं वो इनइक्वालिटी इक्वेशन के लिए होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट में करवाती हूँ, 6 और 8। अच्छा, 6 पार्ट क्या था जरा अरसलान आप मुझे बोलें, बिकॉज आई डोंट हैव बुक टुडे, बट सॉफ्ट में है तो मैं उसको ओपन कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो बताएं। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 6। अच्छा ठीक है, सही है, ओपन हो गई ये सॉफ्ट में बुक, तो मैं यहीं से देख लेती हूँ। पार्ट नंबर 6 आपके पास है, 3 × x-1, 3 × 2, ये 7 स्टार्ट हो गया, 3 × 2x+1 −2 × 2x+5 एंड ग्रेट एंड लेस देन 5 × 3x-2। सबसे पहले आप सबको नजर आ रहा है कि ब्रैकेट्स के बाहर एक नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑब्वियसली हम इन नंबर्स को पहले ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाय मल्टीप्लाइंग 3 विद दीज 2 वैल्यूज, 3 2s are 6x + 3 1s are 3 −2 2s are 4x − ± 5 2s are 10, लेस देन सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी इक्वेशन 5 3s are 15 एक्स एंड 5 2s are 10। ठीक है, यहाँ तक हमने जस्ट मल्टीप्लीकेशन की है। अब इसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे लाइक टर्म्स मौजूद हैं, आपको सामने नजर आ रहा है, दैट इज मैम सही नजर नहीं आ रहा। स्टूडेंट सबको सही नजर नहीं आ रहा या सिर्फ अब अरसलान? मैम सही से नजर नहीं। अरसलान आपको क्लियर है या मैं? यस मैम। बाकी सब स्टूडेंट्स को ठीक नजर आ रहा है? सलमान आप चेक करो अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी। माज नजर आ रहा है आपको? यस मैम। अच्छा सलमान बेटा आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी चेक कर लें, यहाँ से मुझे भी ये जो मैं वीडियो देख रही हूँ दैट इज क्लियर। ओके अब जस्ट लाइक टर्म्स को देखते हैं, ऐड हो रही हैं जो तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक इधर देखें तो 6x − 4x है, तो 6x में से 4x माइनस किया तो आपके पास आ गया है 2x। सिमिलरली नंबर्स प्लस माइनस माइनस, 3 में से 10 में से 3 माइनस किया और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, और 10 में से 3 माइनस किया −7 आ गया। एंड देन लेस देन 15x − 10। अब लाइक टर्म्स को लेफ्ट साइड पे जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगी, जो लाइक टर्म्स राइट साइड पे आ रही हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। लाइक आपके पास ये 15x है, ये साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके −15x हो जाएगा। सिमिलरली −7 जो है लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे आके +7 हो जाएगा। अगेन हम प्लस माइनस करेंगे तो 2x में से −15 किया तो ग्रेटर वैल्यू के साइन के साथ −13 x less than, ये भी प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 माइनस किया तो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन के साथ −3। अब अगेन आपको ये रूल पता है फॉर इनइक्वालिटी, जब −13 है और वो लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा
अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, लेकिन आपको पता है कि इन द केस ऑफ द इनइक्वालिटी इक्वेशन व्हेन माइनस साइन इज शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो ये जो इनइक्वालिटी साइन होता है ये चेंज हो जाता है, मीन्स रिवर्स हो जाता है. लाइक इस केस में ये लेस देन है, तो जब मैं माइनस 13 को राइट साइड पे डिवाइड करूंगी, वो तो रूल है, माइनस 13 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस 13 डिवाइड हो जाएगा, बट आपके पास ये जो लेस देन का साइन है ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के साइन के साथ. अब जस्ट ये रूल आपने अपने माइंड में रखना है, माइनस और माइनस की कैलकुलेशन कैंसिलेशन होगी, और जब ये कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास जो आंसर आया है x इज ग्रेटर देन 3/13. अब ये आपके पास आंसर है, इसका सोल्यूशन सेट राइट डाउन करेंगे तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है. मैं इसका सोल्यूशन सेट यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, ये एक इसका ये बना देती हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि जगह नहीं है और वीडियो भी नहीं आएगी. सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, आपको पता होना चाहिए कि फेडरल बोर्ड की एग्जाम्स में इन सॉल्यूशन सेट को लिखने का 0.5 और समटाइम्स कुछ टीचर्स इसको 1 मार्क्स का कंसिडर करके मार्क्स देते हैं, तो यू हैव टू राइट सॉल्यूशन सेट, ये इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट. स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, आप लोग नोट डाउन करें और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट करते हैं. आई थिंक सो क्वेश्चन तो सारा डिस्प्लेड में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है स्क्रीन, तो आप लोग जरा इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले फिर नेक्स्ट करते हैं. फातिमा आपने अभी ज्वाइन किया तो खैर ये क्वेश्चन फातिमा आपने कल अंडरस्टैंड कर लिया था, इसको देख लो आप, नोट डाउन कर लो. अगर मुझे ये बोले अगर रिपीट करने की जरूरत है तो मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, अदरवाइज हम आप नोट डाउन कर लें अगर आपको समझ आई हुई है इस क्वेश्चन की तो. फातिमा ओके स्टूडेंट्स जब नोट डाउन हो जाए तो बता दें. मैं अभी नहीं हूँ. ठीक है मैं रेस नहीं कर रही. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट नंबर 8 आप अपनी बुक्स पे भी खोल के देखें और पहले देखें पार्ट 8 को, तो आपको उसकी टर्म्स जो हैं वो फ्रैक्शन में नजर आएंगी. अच्छा जब फ्रैक्शन में होती हैं तो आपका माइंड फौरन रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाता है. जो आपने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर किया था कि आप सबसे पहले एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेने के बाद आपने उनको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते थे उस एलसीएम को, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ दैट इक्वेशन एंड बाय सॉल्विंग द एलजेब्रिक इक्वेशन यू गेट द आंसर ऑफ एक्स. सेम लाइक इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बट इस क्वेश्चन में आपके पास जो है इक्वेशन नहीं है, मतलब इक्वल का साइन नहीं है, बट देयर इज इनइक्वालिटी साइन. तो इनइक्वालिटी साइन को सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है, जस्ट वो आपके पास प्लस माइनस के केस में क्या होता है जो कि आप लोगों को पहले मैं समझा चुकी हूँ, उसका आपको प्रोसीजर आना चाहिए. पहले क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं. क्वेश्चन इज 2 × 2/3x प्लस क्वेश्चंस को क्वेश्चन आप अपनी बुक से मैच भी करिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में. 2/3 5x - 4 एंड ग्रेटर देन -1/3 8x + 7. ठीक है ये आपके पास क्वेश्चन है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं. सोल्यूशन करने से पहले जब आपने फर्स्ट टर्म इस इनइक्वालिटी इक्वेशन की देखी तो फर्स्ट टर्म में जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज इन मिक्स्ड फॉर्म. जो मिक्स्ड फॉर्म है इसको हमने चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, होल फॉर्म में, तो वो कैसे चेंज करेंगे यानी इम्प्रॉपर फॉर्म में. तो आप सबको पता है जूनियर क्लासेज में आपने बहुत अच्छे से रीड आउट किया हुआ है कि आप क्या करेंगे, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 में एड अप. यस गुड, 8/3 आपके पास ये टर्म आ जाती है 8/3x प्लस और बाकी सारी टर्म एज इट इज आपने राइट डाउन करनी है प्लस 2/3 प्लस 2/3 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 8x + 7. अब आप सबके माइंड रिस्पॉन्ड करना इस वक्त माइंड में आ गया होगा कि फ्रैक्शन टर्म आ चुकी है. अब हम इस फ्रैक्शन टर्म के जो डिनोमिनेटर्स हैं लेफ्ट टू राइट इनको देखेंगे कि इनका एलसीएम क्या आता है.
आपने जब लेफ्ट और राइट डिनोमिनेटर्स देखे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सब क्या हैं, 3 3 3 हैं। तो ऑब्वियसली इन कैल्सियम जो है वो आपके पास 3 ही आ जाता है, तो एल्सियम इज इक्वल्स टू 3। अब आप सबको पता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो नेक्स्ट स्टेप इज बाय मल्टीप्लाइंग एल्सियम ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। अब बेशक इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे दें, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो अब देखते हैं कि इक्वेशन 1 के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सॉल्यूशन आता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू, एक मिनट, ये बच्चे को अभी चला गया तो उसे फिर एक्सेप्ट करके फिर स्टार्ट करते हैं। थ्री मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम को, 3 इंटू 8/3 x प्लस 3 इंटू 2/3 5 x -4 ग्रेटर देन 3 इंटू -1/3, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। ब्रैकेट्स के अंदर एलसीएम नहीं जाता, क्योंकि आप सबको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जब आप मल्टीप्लाई करें तो इट्स मीन ये एलसीएम जो है होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो नाउ बाय कैंसिलेशन, अब कैंसिलेशन करते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 8x, 8x प्लस 2 इंटू 5 x -4 ग्रेटर देन -1, ठीक है, -1 इंटू 8 x प्लस 7। ये आपके पास इक्वेशन आ गई आफ्टर कैंसिलेशन। आपके पास एलसीएम मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने कैंसिलेशन की एंड देन यू गेट दिस इक्वेशन। अब बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अब क्या एक्स की वैल्यू आती है वो सॉल्व करेंगे, बट आपको पता है यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, तो पहले आप नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद मुझे बोलें से यस, देन इसका नेक्स्ट जो फर्दर सॉल्यूशन है वो रेज करके करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करके मुझे बोलें। जी अरसलान, ये जो ब्रैकेट में 5x माइनस 4 और 8x प्लस 7 है, इनको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि अरसलान जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग एलसीएम 3 ऑन बोथ साइड, जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 8/x के साथ, तो ये पूरी 8, ये तो जाहिर है सिंगल टर्म है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ आपके पास 2/3 5x - 4, ये पूरी एक टर्म है। जब आप एलसीएम मल्टीप्लाई करते हो ना 3, तो इट्स मीन दिस 3 इज मल्टीप्लाइंग विद होल टर्म, ये इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाइंग, मतलब वो तो प्रोसीजर ही गलत हो जाता है कि अगर आप एलसीएम को अंदर इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ और इसके साथ सेपरेट कर दें। ये आपके पास जो ये वैल्यू है ना 2/3 5x - 4, दिस इज, ये पूरी एक होल वैल्यू है, ये एक सिंगल वैल्यू है, तो आप इसके साथ जब एक 3 एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिमिलर ऑन द राइट हैंड साइड, ये पूरी एक वैल्यू है और इसके साथ जब आपने एलसीएम मल्टीप्लाई किया तो दिस एलसीएम जो है वो इस पूरी होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है, आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। मुड़ा जाता, ओके नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं लास्ट लाइन इसकी रेज नहीं करती हूँ, इसको यूज करके हमने इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करके एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है। अब आपको सामने नजर आ रहा है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो 8x एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग 2 with 5x, 2 into 5, आपको पता है 2 5s are 10x आ जाता है, प्लस माइनस माइनस एंड 2 4s are 8 ग्रेटर देन माइनस इन 1 into 8 -8x एंड माइनस प्लस माइनस -7, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप पहले तो लाइक टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मौजूद हैं, तो इनको ऐड हो रही है, तो ऐड कर लेते हैं, 10x + 8x यू गेट 18x -8 -8x एंड -8x -7 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है।
अब शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे वैल्यूज, और राइट से जो लेफ्ट पे आ रही हैं लाइक वैल्यूज इकट्ठे करते हैं. तो शिफ्ट करते हैं माइनस एट एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस एट एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस एट एक्स हो जाएगा. माइनस एट लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे आके प्लस एट हो जाएगा. सो 18x प्लस 8x यू गेट 26. हाँ 26 कहते हैं. 26x ग्रेटर देन प्लस माइनस माइनस, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन तो प्लस है, तो सो प्लस को राइट डाउन करो या ना करो इट्स ओके. सो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 माइनस की यू गेट 1. 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा. बट इन दिस केस देर इज नो रिवर्स ऑफ इनइक्वालिटी साइन. क्यों? क्योंकि 26 के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद नहीं था. अगर नेगेटिव का होता तो जब हम 26 को मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में लेके आ रहे हैं तो दिस इनइक्वालिटी साइन जो है वो रिवर्स हो जाता. बट इन दिस केस यहाँ पे आपके पास कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ये प्लस 26 है, तो आपके पास जो ये इनइक्वालिटी साइन है वो आपका चेंज नहीं होगा, वो इसी तरह आ जाएगा. इसका आप सोल्यूशन सेट लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड में सोल्यूशन सेट के मार्क्स होते हैं, तो आप इसको राइट डाउन करना भी इम्पोर्टेंट है. बोर्ड में ना भी हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में ये स्टेप्स सारे इम्पोर्टेंट होते हैं और स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं. x such that x x is greater than 1 by 26. Is it clear to everyone, student? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. सही है, जल्दी से नोट डाउन कर लें. yes, फिर हम डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2. अब नेक्स्ट केस है डबल इनइक्वालिटी का. मैं टाइम देख लेती हूँ, अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. अच्छा, वी हैव 14 मिनट्स. आई थिंक सो एक दो क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, फिर मैं आपको टेस्ट अनाउंस करूंगी कि मंडे टेस्ट क्या है. जी फातिमा. अच्छा ठीक है, डन बोल रही हैं आप. सही. ओके, मैं ये रिकॉर्डिंग है. क्वेश्चन नंबर टू है, तो इनइक्वालिटीज केस इनइक्वालिटी का ही है, बट इन वो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उनमें डबल इनइक्वालिटीज हैं. सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन, वो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है लेकिन मेथड ये सेम ही यूज होते हैं. अब देखें मैं उनके कितने क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और आपने उसमें से कितने करने हैं. टोटल आपके पास इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं. तो आज हम इसके 4 पार्ट्स अटेम्प्ट कर लेते हैं. तो मैं इनमें से जस्ट 2 पार्ट्स करवाऊंगी. एक हाँ ठीक है, एक फर्स्ट करवा देती हूँ, एक सेकंड, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सिमिलर है, दैट्स नॉट डिफिकल्ट, आप इजीली कर लेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, बट इन दिस केस देयर इज डबल इनइक्वालिटी साइन. मैं क्यों डबल इनइक्वालिटी साइन बोल रही हूँ, जब आप इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 देखेंगे तो आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं ये किस तरह डिफरेंट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स से. माइनस 4 ग्रेटर देन 3x प्लस 5 लेस देन 8. अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो देयर इज टू इनइक्वालिटी साइन. एक आपके पास माइनस 4 लेस देन 3x है और एक आपके 3x प्लस 5 है, और सेकंड वन इज 3x प्लस 5 लेस देन 8. अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, हम इस इनइक्वालिटी साइंस की जो मीन वैल्यू है, अच्छा मीन वैल्यू कौन सी होती है, मिडल वन. आपके पास मिडल वन जो एक्सप्रेशन है इस केस में 3x प्लस 5, उसको हम इस वैल्यू के साथ भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसके साथ सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते जाएंगे तो एंड पे आंसर को मर्ज करके एक आंसर इस इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख देंगे. जब मैं सॉल्व करवाऊंगी और साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी तो आपको तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब ये जो मिडल वैल्यू है इसके साथ आप लाइन लगा लें या फिर इस तरह डॉट कॉमा लगा लें कि आपने दो इक्वेशंस इनइक्वालिटी इक्वेशन मिडल वैल्यू के साथ जनरेट की. लाइक एक है बनी आपके पास माइनस 4 लेस देन 3x प्लस 5 एंड सेकेंड वन इज 3x प्लस 5 लेस देन 8. ये आपके पास इनइक्वालिटी इक्वेशन कुछ इस तरह मिडल वैल्यू जो है वो ब्रेक हो जाती है इन दो टर्म्स के साथ. फातिमा फिर से बोलें, इसकी जो मिडल वैल्यू है हम उसे दोनों साइड्स पे लिखेंगे. हाँ बेटा, उसको दोनों साइड से लिखेंगे. मैं इसको बता रही हूँ,
कि मिडिल वैल्यू के साथ हम इसको इस तरह ब्रेकअप करते हैं कि ये एक दफा इस कॉर्नर वाली वैल्यू के साथ ब्रेक हो जाती है, मतलब इसके साथ एक इक्वेशन बना देती है, फिर ये मिडिल वैल्यू इस कॉर्नर के साथ होती है, और एंड पे जब सॉल्व करते जाएंगे ना उसको एंड पे जाके मर्ज करेंगे. लाइक पहले इसको मैं इस वैल्यू को सॉल्व करती हूँ. ये देखें एक ट्रिक है कि आप जो एक्स है ना, एक्स वाली टर्म होगी, तो मोस्टली एक्स वाली टर्म को ये डॉट कॉमा या जो भी लाइन लगा के हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो इस साइड पे रखा करें. क्यों, रीजन क्या? वैसे उस साइड पे भी लेके जा सकते हैं, नो इश्यू, बट रीजन इसलिए कि जब एंड पे आप आंसर को मर्ज करोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर लिखना, मतलब सोल्यूशन सेट लिखना डिफिकल्ट नहीं होगा. और इसी तरह इस वाले केस में भी एक्स को डॉट कॉमा के साथ इसी साइड पे रखें कि मर्ज करना आपके लिए आसानी हो. एंड पे आंसर जो होता है ना वो हम सिंगल, यहाँ दरमियान में एक्सप्रेशन है 3x + 5, बट यहाँ पे हमने सारी टर्म्स को लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट करना है और दरमियान में मिडल टर्म जस्ट ओनली एक्स आना चाहिए, कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए. तो सॉल्व करते जाते हैं फिर आपको समझ आएगा. दिस इज जस्ट अ ट्रिक कि 3x को हम इसको डॉट कॉमा के साथ रखें ताकि हमारा आंसर लिखते वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. बाज बच्चों को आंसर लिखना इसका नहीं आ रहा होता क्योंकि वो एक्स वगैरह को इधर शिफ्ट करके सॉल्व, बिल्कुल सही कहते हैं, शिफ्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर लिखना आपको आना चाहिए. तो बाज बच्चों को आंसर लिखना इनइक्वालिटीज में नहीं आ रहा होता है. तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ऑब्वियसली आंसर का मार्क्स होते हैं, उसके लिखने के मार्क्स होते हैं सॉल्यूशन सेट के, तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. एग्जामिनर जो है, चक्कर जो है, वो इस तरह उसको डिडक्ट कर देता है क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन लिखते हैं. ये जस्ट ट्रिक है, आपने माइंड में रखनी है कि एक्स को हम इसी साइड पे डॉट कॉमा के साथ रखेंगे दोनों इक्वेशंस में. अब प्लस फाइव इस केस में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को. प्लस फाइव लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, राइट पे आके जो है माइनस हो जाएगा, -5 < 3x. अब देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 4 आपके पास क्या आ जाता है, -9, ठीक है, देन < 3x. अब 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा. बट इन दिस केस देयर इज नो रिवर्स ऑफ इनइक्वालिटी साइन बिकॉज 3 इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस, मतलब 3 के पास जो साइन है दैट इज +3, और अगर -3 होता तो ये साइन जरूर रिवर्स होता, लेकिन इस केस में 3 के पास प्लस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेशक राइट हैंड साइड पे आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हुआ है, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन जो है वो रिवर्स नहीं होगा. सो बाय कैंसिलेशन यू गेट 3 1 3 3 3 9. पता है उस दिन भी मैंने क्या बोला था, 3 2 9. ओके, 3 1 3 3 3 9 और -3 < x, ये आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन करते हैं. इसमें आपने x को राइट इसी साइड पे रखना है, इस केस में आपके पास ये जो x है राइट नहीं है बल्कि लेफ्ट हैंड साइड है, 5 इस साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे इसे शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 आपने माइनस किया तो यू गेट 3 आता है ना 8 में से 5 माइनस करने से. ओके ओके, 3 इज अब x के साथ मल्टीप्लायर है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, बट इन दिस केस ऑल्सो 3 इज विद द साइन ऑफ पॉजिटिव, प्लस साइन के साथ है, सो देयर इज नो चेंज या नो रिवर्स ऑफ इनइक्वालिटी साइन. तो आप इसको < 3/3 और 3 1s are 3, तो आपके पास ये आपकी विजिबल है ना वीडियो, यहाँ पे x इज < 1 आ गया. ठीक है, अब आपके पास ये जो है वैल्यू आई है एक साइड की -3 < x और दूसरी साइड पे आई है x < 1. अब इस आंसर को मर्ज करके लिखेंगे जो मैं पहले बोल रही थी. अच्छा, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको ये जगह नजर आपको आ रही है वीडियो में तो मैं इसलिए इस साइड पे लिख रही हूँ, आप देखें कैसे मर्ज करेंगे. ये जो दो एक्स है ना, ब्लू मार्कर यूज करके आपको बताती हूँ, ये दोनों एक्स जो है वो सिंपल एक एक्स है. जब हम डबल इनइक्वालिटी में लिखेंगे दिस एक्स जो है वो मर्ज हो जाएगा, एक एक्स बन जाएगा. मैं इसको मिड में लिखूंगी एक्स, ठीक है, आई थिंक नजर आ रहा है, ठीक है एक्स, और यहाँ लेफ्ट साइड से देखें ऐसा तो आ रहा है बट यहाँ से इसको सॉल्यूशन सेट भी लिखना है. सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ये आप लोगों ने तो इक्वालिटी के बाद ही ब्रैकेट डाल लिया, मैं इधर नीचे डाल रही हूँ, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स. अब राइट डाउन करें, ये जो एक्स है मिडल, ये मर्ज होके एक एक्स में इसे राइट डाउन करेंगे तो आपके पास ये एक एक्स में आ जाएगा, ठीक है, ये एक एक्स आ जाएगा और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अच्छा, इनइक्वालिटी इक्वेशन में हमेशा लेस देन से ग्रेटर देन तक वैल्यू लिखते हैं, ऑब्वियसली -3 इज लेस देन वैल्यू, तो उससे पहले लिखेंगे -3 और यहाँ क्या साइन है एक्स के साथ, लेस देन, फिर देन एक्स
ग्रेटर एक्स लेस देन वन, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट हुआ माइनस थ्री लेस देन एक्स और ये एक्स मर्ज होके एक एक्स बन गया था एंड लेस देन वन. और क्या आप अपने आंसर को देखें, आपने सही राइट डाउन किया कि इनइक्वालिटी इक्वेशन में हमेशा वैल्यूज फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर होती हैं, तो क्या वो वैसे ही लिखी हुई है? एग्जैक्टली बिल्कुल राइट डाउन की राइट की हुई है. माइनस थ्री टू वन है तो माइनस थ्री इज स्मॉलर वैल्यू एंड वन इज ग्रेटर वैल्यू, और आपकी इनइक्वालिटी इक्वेशन जो है डबल इनइक्वालिटी इक्वेशन वो बिल्कुल सही लिखी हुई है. तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है. इज इट क्लियर टू एवरी वन स्टूडेंट्स? या रिपीट करो, रिपीट इमाद रिपीट करो. क्लियर है? क्लियर है. अफजान, अरसलान, एवरीवन क्लियर? क्लियर. सही है. ठीक है, अब नो डाउन करें इसको, क्योंकि अब तो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं भी कर सकते, आप क्योंकि नोट डाउन पे टाइम लेंगे, डायरी में आप लोगों को आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप इसके जो पार्ट हैं आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट नंबर वन एंड पार्ट नंबर फाइव हिस्ट्री से. अच्छा ठीक है, आप इसको फिलहाल इस क्वेश्चन के कोई और पार्ट्स नहीं करने, यहीं तक कर लें. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें, मैं आपको टेस्ट बता देती हूँ, नोट डाउन कर लें उसके बाद. Still recording है.